जो हम बात कर रहे थे, हमने आपके अभी के जो भी जिस तरह की जिंदगी चल रही है फिल्मों में उसके बारे में हमने बात की, मगर मुझे बताइए कि फिल्मों में आना आपके लिए कितना मुश्किल था? जी एक्चुअली पहली फिल्म तो जिस तरीके से मुझे ऑफर किया गया था, इट वाज वेरी, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए, मुझे किसी ने कहा कि जॉन ने कहीं पे शायद इंटरव्यू में बोला था या किसी को बताया था कि यार मेरे को बाइक का पैशन था और बाइक ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया, इज इट ट्रू? नहीं, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू. द फैक्ट इज के भट्ट साहब जो है, महेश भट्ट, उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी. उसके पहले विक्रम भट्ट ने एक फिल्म ऑफर की थी और वो फिल्म का नाम जिस्म था, 2003 में, और वो रिलीज़ हुई और वो हिट हुई. उसके बाद चार फिल्म फ्लॉप हुई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था. उसके बाद बाइक पहली फिल्म मिलने में स्ट्रगल था? नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि जब भट्ट साहब ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा यंग लड़का चाहिए जिसकी बॉडी एक मर्द की तरह हो लेकिन फेस पे वल्नरेबिलिटी हो, मतलब वो नादानी है फेस पे. तो उनको लगा कि मैं वो था जी, एंड ही ऑफर्ड मी द फिल्म और फिल्म चली और उसके बाद मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ. जी जी जी. चार फिल्म आपने बोला कि फ्लॉप हो गए, क्या हो रहा है उस वक्त, क्या दिमाग का कुछ नहीं, मैं एक्चुअली काम में लगा हुआ था. काम से ब्रेक लेके मैंने ये किया जी, तो मुझे लगा कि अभी वापस मुझे काम पे जाना होगा जी. बस तो बाकी जो आप बोल रहे हैं कि उसके बाद बाइक धूम ने आपको एकदम से जूम कर दिया जी, आपकी जो पहली बाइक रही होगी जी, वो आपको कौन सी बाइक रही होगी पहले? यामाहा RD 350, आपको पता होगा RD 350. yeah. तो वो थी मेरी पहली बाइक और बहुत ही स्पेशल बाइक थी वो, क्योंकि मैंने एक पारसी बाबा से खरीदा जी 17,500 में और 3 साल के बाद किसी को बेचा मैंने वो बाइक 21,000 में. क्या बात है. तो आप सोच सकते हो कैसे मेंटेन किया मैंने. और जब ये बेचा मैं रोने लगा, क्योंकि आई गिव माई मोटरसाइकिल अवे, कोई मोटरसाइकिल देता नहीं ऐसे. सो आई फेल्ट रियली सैड. लेकिन उसके बाद काफ़ी बाइक्स मेरे पास थे, जैसे हमारे बाइकर्स को पता होगा, यामाहा R1, कावासाकी निंजा ZX11, ZX12, ZX14, एप्रिलिया RSV4, सुजुकी हायाबूसा जो धूम में आई, हायाबूसा, GSX 1000, सब बाइक्स थे मेरे पास. अब आपका अपने प्रोडक्शन हाउस को लेके और अपने एक्टिंग करियर को लेके फोकस अब क्या है, कि प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है या नहीं? एक्टिंग इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट लव, तो एक्टिंग हमेशा मेरा पहला प्यार होगा. प्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा करना चाहता हूँ. तो अगर हम नई स्लेट के बारे में बात करें, इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद रॉकी हैंसम, डिशुम एंड फोर्स 2. ये 3 फिल्म में से 2 मेरे प्रोडक्शन हैं, रॉकी हैंसम और फोर्स 2 मेरे को प्रोडक्शन है. ओके. तो इसके बाद शुजीत और मैं एक और फिल्म करना चाहते हैं साथ में, मद्रास कैफे के बाद. तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूसर एक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम करना चाहता हूँ. मुझे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, जैसे शुजीत सरकार, थैंक गॉड आई वर्क विथ हिम, आनंद राय जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सुभाष कपूर जो मुझे फैंटास्टिक डायरेक्टर, कबीर के साथ वापस करना चाहता हूँ, काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क करा था मैंने. आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम अगेन.